किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की सूची। यहाँ पे किसानों की सूची दी गई है, आप देखिए कि किसानों के लिए कितनी कितनी योजनाएं हैं, कौन कौन सी। आज हम बात करेंगे किसानों के लिए सरकारी योजनाएं। सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं शुरू करने का उद्देश्य। सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजनाएं सामान्यतः भारत में रहने वाले सभी किसानों के लिए चलाई जाती हैं। सभी किसान भाइयों को आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, जिसके कारण कुछ किसान अपने खेतों से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना तक कठिन हो जाता है। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने योजनाओं का संचालन करना शुरू किया, ताकि किसान भाई इन योजनाओं के माध्यम से अच्छी तरह से खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सके। सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती है, इनमें से कुछ योजनाएं और उनका विवरण इस प्रकार है। आज हम बात करेंगे किसानों के लिए सरकारी योजनाएं। नंबर वन पे है किसान ट्रैक्टर योजना, नंबर टू पे है किसान मित्र योजना, कृषि उड़ान योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, कुसुम सोलर पंप वितरण योजना, कृषि इनपुट अनुदान योजना, स्माम किसान योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, चारा और चारा विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, अल्पकालीन फसली ऋण योजना, खेत तलाई अनुदान योजना, सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना, किसान विकास पत्र, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान सूर्योदय योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, झटपट बिजली कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, यूपी कृषि उपकरण योजना, सब्सिडी बीज ग्राम योजना, जैविक खेती योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाती कि कौन सी योजना चल रही है कौन सी नहीं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको बराबर योजनाएं और कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है। आपको अगर कोई भी जानकारी और चाहिए इसके अलावा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर वन पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक योजना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत किसान को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 3 किस्तों में प्राप्त होते हैं और यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में आती है। प्रत्येक 4 माह के पश्चात कृषक को 2,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होती है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 8 किस्तें जारी की जा चुकी है और अब किसानों को नवी किस जल्द ही मिलने की संभावना है। इस स्कीम के माध्यम से किसानों को आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी सहायता मिलती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इसकी तारीख 31 मई है लास्ट डेट, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दी है। नंबर दो पे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। अक्सर किसानों को तैयार फसल आंधी ओलावृष्टि और तेज बारिश जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसानों के सामने अपना जीवन निर्वाह करने में समस्या उत्पन्न होती हो जाती है, जिसके कारण किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बुआई से पहले और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। फसल बीमा योजना के तहत रबी खरीफ की फसल के साथ साथ कारोबारी और बागवानी फसलों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि किसान को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% 1.5% का प्रीमियम भुगतान करना होता है। नंबर थ्री पे है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड के किसी की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में की गई थी। किसानों को इस कार्ड की सहायता से पर्याप्त ऋण लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जिससे किसान कृषि से संबंधित खाद बीज कीटनाशक आदि सामग्री खरीद सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस कार्ड से 5 वर्षों में 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यदि किसान इस कार्ड पर लिए गए लोन को 1 वर्ष के अंदर ही वापस कर देते हैं तो उन्हें ब्याज दर में 3% की छूट मिलती है। इसके अलावा यदि किसानों को अचानक धन की आवश्यकता होने पर भी वो इस योजना के माध्यम से धन की प्राप्ति तत्काल रूप से कर सकते हैं। नंबर चार पे है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। केंद्र की मोदी सरकार ने नौकरी पेशा करने वाले लोगों की तरह किसानों के लिए भी पेंशन योजना की सौगात दी है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक जमा करना होता है। जैसे ही किसान अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इस स्कीम में जितना योगदान किसान का होता है उतना ही योगदान सरकार करती है। यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त होती है। नंबर पांच है स्माम किसान योजना।
आधुनिकता के इस दौर में देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जो कृषि कार्यों में आज भी पुराने यंत्रों का उपयोग करते हैं। धन के अभाव में वो नए यंत्र खरीदने में असमर्थ होते हैं। किसानों की इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट किसान योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के माध्यम से किसान खेती करने वाले उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि उपकरणों की खरीद पर उन्हें छूट भी प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती करने में किसी प्रकार की समस्या न हो और वो बेहतर फसल का उत्पादन कर अपने जीवन स्तर को सुधार सके। नंबर 6 पे है पीएम कुसुम योजना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। जब किसानों के खेत को पानी की आवश्यकता होती है तो उन्हें समय से बिजली नहीं मिल पाती है। पानी के अभाव में उनकी फसलें प्रभावित हो जाती हैं। किसान भाइयों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल सब्सिडी पर मिलते हैं, जिससे वो बिजली का उत्पादन कर अपने आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करने के बाद बाकी को बेच के अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। नंबर 7 पे डेयरी उद्यमिता विकास योजना। किसानों की आय को बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से डेयरी उद्यमिता विकास योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश में लगभग किसान पशुपालन अवश्य करते हैं। सरकार का मानना है कि यदि यही कार्य एक बड़े पैमाने पर किया जाए तो अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन किया जा सकता है और किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेकर किसान या पशुपालक नई डेयरी की स्थापना कर सकते हैं। यदि वो पहले से डेयरी चला रहे हो तो उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसान को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही किसान भाई प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। नंबर 8 पे पशुधन बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों से की गई है। किसानों या पशुपालकों को पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें आर्थिक क्षति काफी होती है। इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत दुधारू मवेशी और भैंसों का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। बीमा का प्रीमियम 50% अनुदानित होता है। अनुदान की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। अनुदान का लाभ अधिकतम 2 पशु प्रति लाभार्थी के अधिकतम 3 वर्ष के पॉलिसी के लिए मिलता है। इसके साथ ही इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई किसान अपने पशुओं की बिक्री कर देता है और बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त ना हुई हो तो बीमा शेष अवधि का लाभ नए स्वामी को हस्तांतरित किया जाएगा। नंबर 9 पे है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किसानों के द्वारा अपने खेतों में उत्पादन बढ़ाने को लेकर संतुलित उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी उत्पादकता निरंतर कम होती जा रही है। इसके साथ ही फसलों में विभिन्न प्रकार के नए नए रोग लग रहे हैं। खेत की उत्पादकता बढ़ने की जगह निरंतर कम होती चली जा रही है, जबकि दूसरी तरफ अधिक उर्वरक तथा रोग के लिए कीटनाशक उपयोग करने से कृषि खर्च भी बढ़ रहा है। सरकार की समस्या निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित की जा रही है, जिसमें किसानों की मिट्टी की जांच भी निःशुल्क की जाती है। खेत की मिट्टी की जांच के दौरान यह ज्ञात हो जाता है कि किसान के खेत में किस चीज की कमी है। नंबर 10 पे है राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में सभी को भोजन सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गेहूं, चावल व दलहन की उत्पादकता में वृद्धि करना है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा दलहन राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत चावल के लिए 14 राज्य, गेहूं के लिए 9 राज्य तथा दलहन के लिए 16 राज्यों को शामिल किया गया है। नंबर 11 पर सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। खेत में फसलों को बोने के बाद फसलों की सेहत से संबंधित जानकारी होना भी एक अहम बिंदु है। जिस प्रकार मनुष्य के कुछ भी खाने पीने पर उसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार फसलों को दिए गए खाद पानी आदि का फसल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जानकारी के लिए सरकार द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की गई। फसलों को कब और कितनी मात्रा में क्या चीज देनी है, इसकी सटीक जानकारी होने पर स्वाभाविक रूप से उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त होगी। आपको बता दें कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच 10.73 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए, जबकि यह आंकड़ा 2017 से 2019 के बीच 10.69 रहा। 12 पे जैविक खेती योजना। वर्तमान समय में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा रासायनिक खाद का इस्तेमाल अधिक किया जा रहा है, जिससे उत्पादन अनाज सब्जियों को खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती योजना को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जैविक खेती के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत किसानों को बताया गया कि प्राकृतिक रूप से किस प्रकार कृषि की जाए और उस वक्त अनाज साग सब्जी का उत्पादन किया जाए। यहाँ तक कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाता है। कृषि मंत्रालय पर प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय देश भर में 27.10 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती की जा रही है।